हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्री टैलेंट में। आज हम बनाने वाले हैं एक वॉच जो कि हमने पहले भी बनाई हुई है, उसका वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वॉच में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम ये रखने वाले हैं हमारे फ्रेंड के गैरेज में, तो उनके गैरेज के हिसाब से क्या क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए वो हमने इसमें यूज़ किए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है चेन और दो पॉकेट, बड़ा और छोटा, जैसे कि आपका गाड़ी में या फिर आपके बाइक में फ्रंट एंड बैक रहता है। तो इसको हमने एक ले लिया है प्लेट वॉच का। ये वॉच का प्लेट मुझे कलर इसका अच्छा लगा तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। आपके हिसाब से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो में हमने यूज़ किया था पुराना वाला, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक प्लास्टर में बाइक ड्रॉ करके उसको यहाँ पे चिपका दिया है और बाकी का जो अनवांटेड जगह है उसको मैंने थिनर से थोड़ा सा उसको रब करके निकाल दिया है, ब्लैक कलर का पोर्शन। तो ये हमारी बाइक जो है विजिबल हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हो कि ये बहुत इजीली निकल जा रहा है। आपके पास अगर थिनर नहीं है, उसका ऑप्शन नहीं है, तो आप नेल पॉलिश रिमूवर का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी काम बन जाएगा आपका। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो क्रिएटिविटीज़ हैं या फिर क्राफ्ट जो हम लोग बनाते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी करिए, क्योंकि ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें ज़्यादा आपका पैसा लगता भी नहीं है। आप कोई भी गैरेज से पुराना सामान उठा सकते हो या फिर उनको अगर कोई दोस्त है तो उनसे ले ले सकते हो, या फिर आप ही के बाइक का अगर निकल जाता है तो उसको वेस्ट मत कीजिए, यूज़ कर लीजिए ऐसे, उसमें तो आपको पैसा देना भी नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको पैसे देकर भी ख़रीदना पड़ा तो ये ज़्यादा कुछ आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और जब भी आप क्रिएटिविटी में मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो या फिर कोई क्राफ्ट बनाते हो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना, जानता हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारा बिजी टाइम होता है, बिजी स्केड्यूल होता है, तो उसके हिसाब से आप बस एक वीकेंड कोई अपने पेरेंट्स के साथ में या फिर फैमिली के साथ में एक बार क्रिएटिविटी में या फिर क्राफ्ट में थोड़ा सा हिस्सा लेंगे या फिर उनके साथ में करेंगे तो उनको भी अच्छा फील होगा कि हाँ, हमारे घर में बच्चे हमारे साथ में रहते हैं। तो मेरी फैमिली का भी कुछ ऐसे ही है कि मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को। तो मेरी मॉम का भी है, कभी भी अगर मेरे को कुछ भी सामान नहीं मिलता है तो मैं नहीं उठ के लेता, उनको ही पूछता हूँ, तो वो कहीं से भी मेरे को ढूंढ के दे देती हैं। तो आप जैसे देख रहे हो कि हमने ये पूरा इसमें रिमूव कर दिया है, तो बाइक हमारी पूरी कम्प्लीटली विजिबल हो चुकी है। इस पर थोड़ा सा जो प्लास्टर लगा हुआ था वो मैं निकाल दे रहा हूँ, जो कि मैंने लगाया था। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना क्लियर और अच्छा लुक आया है इसका। अब हमारा जो काम है नेक्स्ट, इसको चिपका देना है। बस हमको इस पर डबल साइडेड टेप लेके यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपना नट बोल्ट भी लगा सकते हो। मैंने तो यहाँ पे डबल साइडेड टेप का यूज़ किया हुआ है क्योंकि मेरे पास जो नट बोल्ट हैं वो ये वाली प्लेट पे ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आता, क्योंकि मेरे को होल करना पड़ता और वो नंबर्स थोड़े विजिबल नहीं होते, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल साइडेड टेप का। चारों साइड लगा दिया हूँ, मेरे को काफ़ी है इतना कि इतने स्ट्रेंथ, जो प्लास्टिक का वॉच होता है तो ज़्यादा हैवी नहीं होता, उसमें आराम से लग जाएगा। ये सारा कुछ आप जैसे देख रहे हो कि मैंने निकाल के सारा डबल साइडेड टेप का उसको, जो वॉच की प्लेट है उसको मैं चिपका दूंगा। बट इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका जो एंगल है वॉच का वो सही रहे, क्योंकि बाद में क्या होगा, आप उल्टा लगा दोगे या फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो अच्छा लुक नहीं रहेगा। तो इस वजह से जब भी आप लगा रहे हो तो ध्यान दीजिए, खास करके जब उसमें नंबर या फिर कोई डिज़ाइन है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा दिया है और अच्छे से लग भी गया है। आपको मैं इसका ड्यूरेबिलिटी भी दिखा देता हूँ कि देखिए, मैं फिंगर पर रख के दिखा रहा हूँ कि आपको इतना स्ट्रांगली पकड़ लिया है, और जो पॉकेट होता है गाड़ी का बहुत ही थोड़ा हैवी रहता है, तो नहीं निकल रहा है। अब टाइम है हमें हमारे वॉच को लगाने का, मैं वॉच को भी लगा देता हूँ यहाँ पे। बैटरी मैंने ऑलरेडी लगा के यूज़ करके चेक कर लिया, क्योंकि ये पुराना वॉच था, मुझे नहीं लगा था कि ये चलेगा, बट ये चलने लगा था, तो मैं इसको भी फिट कर देता हूँ। अभी फिट हो तो गया है। अभी मैंने सोचा कि नॉर्मल ही उसका जो वॉच के हैंड्स होते हैं या फिर उसके कांटे होते हैं, तो मैंने सोचा कि वही डिज़ाइन रखें, बट मुझे लगा कि गैरेज में रखना है तो गैरेज के टूल्स के हिसाब से अगर मैं इसको बनाऊं तो और ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव लुक रहेगा। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अपने मोबाइल में इसको फ़ोटोज़ को देख करके ड्रॉ कर लिया है पेपर पे। मैं एक स्क्रू ड्राइवर, एक दो स्पैनर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मैं बहुत ही छोटा सा पोर्शन लिया हूँ, बस मुझे इतना ध्यान रखना था कि ये जो कांटे हैं उसके हिसाब से रहें जितना उसका डायल है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा हो गया तो फिर वॉच नहीं दिखेगी या फिर हमारा जो बैकग्राउंड का जो बाइक हमने बनाया हुआ है वो नहीं दिखेगा। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि
जितना है जितना चाहिए उतना ही साइज़ रखें, बड़ा मत करें, बड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने इसको भी काट लिया है और मैंने इस पर थोड़ा सा प्लास्टर लगाया था ताकि पेपर है फटे नहीं, कल के दिन अगर इसको कुछ भी फट जाता है तो फिर आप रिप्लेस कर सकते हो इजीली, वो प्रॉब्लम नहीं होगा पेपर के साथ में। बट फिर भी अगर आप टेप लगा देते हो तो थोड़ा ड्यूरेबिलिटी आ जाता है इसमें। तो आप देख जैसे देख सकते हो कि मैंने इसको एक को तो काट लिया है, बाकी का जो मैं काट के इसको चिपका देता हूँ अभी इसके ऊपर। जैसे कि हमने इसमें काट लिया है ये सारा कुछ जो पेपर्स के हैंड्स हमने बनाए थे, और आपको ये अगर क्राफ्ट बनाते भी हो आपके घर में कुछ रखते हो तो कोई अपने फ्रेंड्स देखेंगे या फिर कोई रिलेटिव देखेंगे तो उनको भी अगर पसंद है तो आप उनके लिए भी बना सकते हो, गिफ्ट कर दो। हैंडमेड बहुत से लोगों को आजकल के पसंद है तो हैंडमेड की चीज़ें कोई भी मना नहीं करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं सारा कुछ यहाँ पे जो मेरे वॉच का जो काटा था नीडल्स थे उसके ऊपर मैंने चिपका दिया है। तो अभी हम लोग इसको फिट कर देंगे हमारी वॉच में। ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा जो एडजस्टमेंट होता है इसका वो सही रहे, क्योंकि वॉच के लगने के बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम 5-10 मिनट का फ़र्क हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको कनेक्ट करते हो तो बराबर अगर आप टाइम से रखोगे, जैसे कि मैंने इसमें रख दिया कि 9:09 हो चुका है और इसके सेकंड्स का भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से इसका लुक आया हुआ है, स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, पीछे से दो स्पानर्स दिख रहे हैं, तो ये बेटर है। बाकी का अगर नॉर्मली लगाता तो उतना अच्छा लुक नहीं होता, फिर भी ये आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिनिशिंग वाला लुक है। आप इसमें देख सकते हो कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी यहाँ पे तो कंप्लीट हो चुका है, अभी ये वाला मेरे को ले जाके मेरे फ्रेंड के गैरेज में फिट करना है। वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरे को लगाना है, क्योंकि इसका जो लुक है वो मतलब जाना नहीं चाहिए कहीं पे। अभी हम लोग लगा देंगे और बैकग्राउंड में भी आप जैसे देख सकते हो कि मैंने पूरा वहाँ पे ले जाके लगाया हुआ है, ऊपर में यहाँ पे लगा हुआ है। आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड से लुक इसका दे दूँ। नीचे टूल्स रखे हुए हैं तो हमने टूल्स के ऊपर ही रखा है, कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको आसानी से दिख जाएगा। धन्यवाद आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए।